गाइस वेलकम टू एएम लाइफस्टाइल। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। गाइस आज जो है मैं लेकर आ गई हूँ मदर्स डे व्लॉग। जैसे मैंने आप लोगों को कहा था कि मैं मदर्स डे व्लॉग लेकर आऊँगी, तो आप लोगों को कुछ बातें मैं बताना चाह रही हूँ कि जो मदर्स डे व्लॉग है उसके अंदर व्लॉगिंग तो बहुत ही कम है, क्योंकि जो है वो केक जो है उसका भी थोड़ा मसला हो गया, और बाकी बहुत मज़ा आया, सब कुछ अच्छा था। मामा को गिफ्ट भी मिला और बहुत ही हमने टाइम साथ अच्छा गुजारा। लेकिन जो है वो हुआ ये, मैं आप लोगों को बताती हूँ। आगे जो है वो क्लिप्स भी सारे डालूँगी, पिक्चर्स भी डालूँगी जो हमने क्लिक की। तो जितना व्लॉग बना है वो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि जो मैं समझती हूँ कि मदर्स डे हमेशा होता है, लेकिन क्योंकि बहुत सी माएँ और बहुत से बच्चे ये कहते हैं कि जी मदर्स डे तो रोज़ होता है, इस दिन मनाने का क्या तुक बनता है। तो मैं यही कहूँगी कि इस वजह से उस दिन मनाना ज़रूरी है, क्योंकि उस दिन एक तो संडे होता है, सारी फैमिली जो होती है, जैसे कुछ बच्चों की शादी हो जाएगी, मतलब बेटों की बेटियों की, वो कहाँ सेपरेट सेपरेट घरों में रहते हैं, ठीक है, तो उसकी वजह से वो उस दिन घर आते हैं, प्रॉपर क्वालिटी टाइम स्पेंड होता है और मदर को गिफ्ट्स मिलते हैं, सेलिब्रेशन होती है, वो एक क्वालिटी टाइम होता है। चले अगर घर में भी हैं ठीक है, तो ऑफिस में की छुट्टी होती है, उस दिन क्वालिटी टाइम गुजार सकते हैं, ठीक है, सेलिब्रेशन हो सकती है, गिफ्ट दे सकते हैं। तो जो है हर मौके को खूबसूरत बनाना जो है वो ज़रूरी होता है। तो स्पेशल फील तो करवाना चाहिए ना, ऐसे तो फिर मतलब कि हम बिल्कुल ठीक हैं, हम तंदुरुस्त हैं, तो बर्थडे का क्या फिर मनाने का फ़ायदा, उसका भी तो फिर कोई मकसद है ना कि हम उस दिन पैदा हुए थे, इसलिए हम सेलिब्रेट करते हैं, बैठे होते हैं, फिर खुशी होती है बंदे को। तो ऐसे ही मदर्स डे भी मनाना चाहिए। तो मैंने जो है वो आप लोगों को, जैसे आप लोगों ने व्लॉग देखा होगा कि मैंने जो है वो सरप्राइज़ प्रिपरेशन की थी, लेकिन उसके अंदर ये हुआ कि 10:30-11 बजे जो है वो केक आया। पता नहीं क्या मसला हो गया कि जो है वहाँ से उन्होंने केक डिलीवर करवाया, जो है वो जिस ऐप पे करवाया, मतलब जिसके थ्रू करवाया, वो उनका अपना नहीं था, वो दूसरा ऐप से जो होते हैं उससे करवाया, ठीक है। और हुआ ये कि उसने रिफ्यूज़ कर दिया, जी मैंने आना नहीं है, केक मेरे पास है लेकिन मैंने आना नहीं है, मैं किसी और को कह रहा हूँ। और इसी चक्करों में, पहले तो मैंने बताया नहीं, ठीक है, भाभी और मैं इसी चक्कर में लगे रहे कि आ जाएगा आ जाएगा आ जाएगा, क्योंकि हमने सोचा था पहले केक कट होगा, फिर खाना खाएँगे और उसके बाद फिर केक खाएँगे। तो उसी के इंतज़ार में हमें जो है वो 8:30 हो गए, और उसके बाद जब भाई को पता चला तो फिर जाके जो है हमने जो केक है वो हमने, जैसे भी भाई ने उससे बात करके या जो भी कुछ करके केक डिलीवर करवा लिया, लेकिन वो कब हुआ, वो हुआ जाकर 10:30-11 बजे। और जो है वो मैं इतनी पुरानी है मेरी, मतलब मैं 2 साल से उनसे मंगवा रही हूँ केक, तो बर्थडे पे भी, मदर्स डे पे भी, मतलब 4 तो केक मैंने उनसे मंगवा ही लिया ऑन ऑफ, ठीक है, 4 या 3। तो उसमें ये है कि उनसे मैं लोकेशन भी, क्योंकि उनकी लोकेशन हुई है चेंज, आउटलेट चेंज हुआ है, फैक्ट्री जहाँ पे केक्स उनके बनते हैं, तो मैं उनसे पूछ भी रही थी कि अपनी लोकेशन बता दें, मैं एक दिन पहले से पूछी हूँ, वो मुझे नहीं बता रही। तो मुझे नहीं पता कि वो क्यों नहीं बता रही थी, फिर कॉल्स भी अटेंड नहीं कर रही थी, फिर बहुत सी बातें उन्होंने ऐसी की जिससे मुझे बड़े डाउट्स हुए हुए थे। मैं बार बार जो है सरप्राइज़ के वजह से मैं कमरे में आके बात कर रही थी, और मामा वो ही सोच रही थी कि जो है वो टाइम नहीं मेरे साथ स्पेंड किया, ठीक है, भाभी भी नीचे आ गई थी, और जो है ना वो थोड़ा सा मैसअप सा हो रहा था सीन। और मामा ने ये बात भी कही कि पूरा दिन तुमने जो है वो ऐसे ही जो है स्पेंड किया, क्योंकि वो जब उठी थी तब उनको गिफ्ट मिला तो वो तब खुश हुई, लेकिन उसके बाद जो है वो मैं इधर उधर ही टेंशन में फिरती रही, और उसकी वजह से जो है वो टाइम
नहीं सही स्पेंड हो सका। लेकिन उसके बाद केक आया तो मामा ने चेंज भी अपने कपड़े कर लिए थे, लेकिन जो है वो फिर केक कट हुआ, फिर हमने खाया, फिर मामा को अच्छा भी लगा, मामा वो तब खुश हो गई थी क्योंकि वो केक ही मैंने ऐसा बनवाया था, आपको आगे जो है वो पता चलेगा। और मामा के जो कपड़े हैं वो भी चेंज हो गए थे, आपको पिक्चर्स में कुछ और नज़र आएंगे और केक कटिंग में कुछ और नज़र आएंगे, क्योंकि इतना बंदा तंग हो जाता है। और मैंने कपड़े भी जो हैं वो उनको आपको पता है कि कैसे बनाए थे, जिन्होंने नहीं वो व्लॉग देखा वो पीछे प्रिपरेशन वाला व्लॉग देखे आपको पता चलेगा। तो वो इस वजह से जो है ना वो फिर उन्होंने चेंज कर लिया था, तो उसी में फिर उन्होंने दुपट्टा उसी का ले लिया था ताकि जो है वो थोड़ा सा लुक वैसी आ जाए। तो आप लोग ज़रूर उस जो है वो व्लॉग को चेकआउट कीजिएगा कि मैंने कैसे प्रिपरेशंस की थी। और वो कोई ऐसी बात नहीं है, केक खुदा का शुक्र है कि आ गया था, मामा को अच्छा लगा, गिफ्ट मामा के लिए आ गया था, वो मामा को बहुत खुशी हुई। तो जो है ऐसे ही जो है अपने पेरेंट्स को खुश रखना चाहिए। और यही कहूँगी कि अगर आप लोग जितना मर्ज़ी जिसको भी जानते हो बहुत देर से, भले आप करवा रहे हों उनसे केक वगैरह बनवा रहे हों, लेकिन आप लोग लोकेशन जब तक वो ना बताएं, कॉल्स ना उठाएं, आप लोगों ने उनकी बात को नहीं मानना, पैसे पहले नहीं देने, ठीक है, बाद में ही आप सब कुछ करें। तो जो है वो आगे आप लोग देखें कि मैं पिक्चर्स और जो वीडियो है वो कैसे बनी है और क्या क्या हमने किया, जितना कुछ किया है वो आपको दिखाते हैं। मारती रही हूँ छोटे होते हैं, तुम्हारे घर आते बड़े हो गए, ये जब ऐसी पड़ती है, ये जब बातें कर रही है सारे काम कर चुके हैं। एक्चुअली मामा ने एक ही बोला नजर होना है रही है, पांच वर्षों से नहीं। जबरदस्त जी गाइस, तो उम्मीद है आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। और जो मेरी बल्कि हमारी जो एफर्ट थी, क्योंकि खाना जो था वो भाभी और भाई ने किया था और केक मेरी तरफ से था और गिफ्ट भी मेरे से था, तो जो है वो आप लोगों को जो है वो गिफ्ट भी मैं दिखाऊंगी कि वो क्या था, और आप लोगों ने बताना है आप लोगों को ये एफर्ट कैसी लगी। पेरेंट्स के हर चीज़ को स्पेशल करना चाहिए, हर दिन स्पेशल होता है लेकिन वो रूटीन वाइज होता है, सेलिब्रेशन टाइप नहीं होता। तो सेलिब्रेशन टाइप हमेशा करना चाहिए क्योंकि उस वक्त गिफ्ट देते हैं और घर में क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। तो खुदा आप लोगों की भी सारी मदर्स को आप लोगों के सर पे सलामत रखे, ठीक ठीक रखे, और जो है वो ऐसे ही आप लोगों के साथ रहें और आपको ब्लेसिंग्स देती रहें, क्योंकि उनकी ब्लेसिंग्स के बगैर इंसान कुछ भी नहीं है। तो ओके, खुदा हाफिज़। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर नहीं किया वो भी कर दें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें, और जिन्होंने पीछे वाला व्लॉग नहीं देखा वो ज़रूर देखें, क्योंकि आप लोगों को पता चलेगा कि मैंने कितनी प्रिपरेशंस की थी और क्या क्या सोचा था।